छात्रा ने भरी प्रार्थना सभा में शिक्षक को जड़े चांटे। आरोपी शिक्षक द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना से आहत थी छात्रा। धौलपुर जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसई नवाब का मामला। धौलपुर जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसई नवाब में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना का एक मामला सामने आया है। हालांकि मामला कुछ दिन पूर्व का है, लेकिन सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इसलिए कि छेड़छाड़ की घटना के कुछ दिन बाद जब शिक्षक स्कूल आया तो भरी प्रार्थना सभा में पीड़ित छात्रा ने उसे जमकर चांटे जड़ दिए। इससे प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी बच्चे और शिक्षक देखते हुए हक्के बक्के रह गए। जानकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले स्कूल की छात्रा के साथ आरोपी शिक्षक ने छेड़छाड़ की थी, जिससे आहत छात्रा ने अपने परिवारजनों को पूरी घटना से अवगत कराया। वहीं घटना के बाद से आरोपी शिक्षक भी स्कूल नहीं आ रहा था और चुप चुप के अपने दिन गुजार रहा था, लेकिन सरकारी ड्यूटी है, कब तक रह पाता। घटना के बाद पूरे मामले को लेकर छात्रा एवं उसके परिवारजनों ने स्कूल प्रिंसिपल को भी शिकायत की थी, जहां से प्रिंसिपल ने मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर सीडीओ धौलपुर को प्रेषित की और सीडीओ ने घटना की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर को भेज दी थी। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ता गया और चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख आरोपी शिक्षक ने अपनी तरफ से माफी मांगने की बात छात्रा के परिजनों के समक्ष रखी। बताया जा रहा है कि उसके बाद छात्रा के परिजनों ने एवं कुछ पंच पटेलों ने आपसी पंचायत की, जिसमें आरोपी शिक्षक द्वारा स्कूल में सबके सामने छात्रा से माफी मांगने पर सहमति बनी। जिसके बाद स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान जब आरोपी शिक्षक आया और माफी मांगने के लिए छात्रा के पैरों में झुकने लगा, लेकिन तभी घटना से आहत छात्रा रोने लगी और रोते हुए भावेश में आकर शिक्षक को चांटे जड़ दिए। ऐसे में वहां उपस्थित सभी शिक्षक और विद्यार्थी हक्के बक्के रह गए। स्कूल के प्रिंसिपल मान सिंह ने बताया कि 1 फरवरी 2024 की घटना है, जब स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसी दरमियान विज्ञान के शिक्षक मनोज कुमार पारासर द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना का पता तब चला जब पीड़ित छात्रा ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उसी के बाद 2 फरवरी से आरोपी शिक्षक मनोज पारासर स्कूल नहीं आया और छुप छुप के रह रहा था। वहीं शिकायत के बाद इस मामले में जांच बिठाई गई, जिसमें शिक्षक दोषी पाया गया। इसके बाद मामले को लेकर शिक्षक ने ही छात्रा से माफी मांगने की पहल रखी थी, जिस शिक्षक के कंधों पर विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ रहता है, जिसकी ज्ञान रूपी रोशनी में पढ़कर अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ऐसे कुकर्मी शिक्षकों से क्या उम्मीद की जा सकती है, जबकि स्कूलों में ही बच्चों को गुड टच बैड टच जैसे पाठ पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसी घटनाओं से अन्य शिक्षकों को भी सबक मिलेगा और ऐसे घिनौने कुकर्म करने से पहले हजार बार सोचेंगे। वहीं छात्र छात्राएं भी ऐसी घटनाओं के प्रति सचेत रह सकेंगी। फिलहाल छेड़छाड़ की घटना और उसके बाद छात्रा द्वारा आरोपी शिक्षक को सरेआम चांटे लगाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है।